हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्थ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपका दोस्त लखन चौधरी। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है निडल इंजरी और स्पिल मैनेजमेंट के बारे में। दोस्तों, मैंने अपनी कुछ वीडियोस पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सभी जो हॉस्पिटल के अंदर यूज़ होने वाले जो कोड्स होते हैं, जो मैनी मैनी टाइप्स के एक्सीडेंटल कोड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं इमरजेंसी के कंडीशन में, तो उन्हीं उसी वीडियो को देख के मुझे बहुत सारे मेरे दोस्तों ने इंस्टाग्राम पे डीएम किया और मुझसे कहा कि एक बार इन्फेक्शन के अंदर आने वाले जैसे स्पिल मैनेजमेंट और निडल इंजरी जैसी जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में आप हमें बताइए। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने डीएम किया इंस्टाग्राम पे, तो अब मैं उनकी रिक्वेस्ट पे आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए पूरी वीडियो देखनी है आपको, स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है, तभी आप जान पाएंगे कि इस वीडियो के अंदर कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बातें बताई गई हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और साथ ही आपको कुछ भी पूछना है मुझसे इस वीडियो के रिलेटिव, आपको कुछ भी पता करना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आप लोगों का रिप्लाई करूँगा। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम मेरी आईडी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मेरी आईडी है, आप यहाँ पे जाके मुझे डायरेक्ट फॉलो कर आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं निडल इंजरी के बारे में। सबसे पहले जो मैंने आज दो टॉपिक बोले हैं उनमें पहला मेरा निडल इंजरी रहेगा, मैं निडल इंजरी के बारे में बताने जाऊंगा। तो निडल इंजरी सबसे पहले दोस्तों होती क्या है एक्चुअल में, पहले हम ये जानना चाहेंगे कि निडल इंजरी होती क्या है। निडल इंजरी वो होती है कि जब भी हम सैंपल कलेक्शन करते टाइम या फिर किसी टाइप का इंजेक्शन देते टाइम हॉस्पिटल या किसी भी पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी के अंदर बाई मिस्टेक या लापरवाही के कारण किसी भी पेशेंट से इन्फेक्टेड जो सिरिंज होती है उसमें लगी निडल स्टाफ को लग जाए या किसी दूसरे पर्सन को लग जाती है, उसको हम बोलते हैं निडल इंजरी होना। अब ये निडल इंजरी होती कैसे है, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं जिनमें निडल इंजरी हो सकती है। सबसे पहले आपने जैसे मैं एक लैब के अंदर की बात बता देता हूँ। मान लो कि पेशेंट बैठा है और हमने सैंपल कलेक्शन किया, जैसे सैंपल कलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, या तो हम जैसे कैपिंग करते हैं, सिरिंज है हमारे पास में उसमें निडल लगी हुई है, हम कैपिंग करते हैं तो कैपिंग ठीक तरीके से हो नहीं पाती क्योंकि तरीका नहीं पता होता ठीक से कि हमको कैसे कैपिंग करनी है, कैसे कैप को बंद करना है, तो वो कैपिंग करते टाइम भी निडल इंजरी हो जाती है, कैप में ना लगते हुए वो सीधा फिंगर में जाके प्रिक हो जाती है। एक ये कंडीशन होती है निडल इंजरी होने का। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जैसे हमने सैंपल कलेक्ट किया, एक पर्सन सैंपल कलेक्ट करता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो उस दूसरे पर्सन को हैंडओवर करता है उसको, ये कहने के लिए कि आप सैंपल वाइस के अंदर कर लीजिए। बट उस कंडीशन में क्या होता है कि जो सेकंड पर्सन होता है उसका ध्यान कहीं और होता है, वो अनजान तरीके से वो उसको रिसीव करता है। अब रिसीव करते टाइम क्या होता है, उस कंडीशन में उसको निडल लग सकती है, उसको प्रिक हो सकता है, वो निडल इंजरी हो सकती है, ये भी होता है। और एक तरीका दोस्तों ऐसे भी हो सकता है कि आपने सैंपल कलेक्शन किया, करते टाइम आप निडल को निकालते हैं तो आपको अगर पूरी आप फ्रेशर हैं, आपको अच्छी तरीके से नहीं पता, वो सिरिंज निकालते टाइम भी उंगली में लग सकती है, उस टाइम भी प्रिक हो जाता है। तो मैनी मैनी टाइप से हो सकता है दोस्तों निडल इंजरी होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया निडल इंजरी कैसे होती हो सकती है। इसके बाद अगर हो जाती है तो तब हमको क्या करना होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान देने वाली है। दोस्तों होता क्या है, जब भी कोई निडल इंजरी हो जाती है उसके बाद करना क्या होता है। देखिए, जैसे कि मान लो मेरे साथ ही ये एक्सीडेंट हो जाता है, मुझको ही निडल प्रिक हो जाती है सैंपल कलेक्शन करते टाइम, तो सबसे पहले करना ये होगा कि जैसे लग जाती है तो किसी को भी ऐसे सडनली लग जाती है तो वो हाइपर होना शुरू हो जाता है, एकदम टेंशन में आ जाएगा कि मुझे निडल प्रिक हो गई है, पेशेंट को पता नहीं क्या बीमारी होगी क्या नहीं होगी, कहीं मेरे भी वो बीमारी ना हो जाए। सबसे पहले तो उसको पैनिक होना बंद होना पड़ेगा, उसको बिल्कुल भी हाइपर नहीं होना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, रिलैक्स माइंड से उसको, जो आपके पास में टेप रनिंग वाटर होगा
उसके नीचे आप जहाँ पे भी निडल प्रिक हुई है उस फिंगर को ना उसको प्रेस करना है, ना उस पर कोई कॉटन लगानी है, ना उसको मुंह के अंदर डाल के उसको सक करना है, कुछ नहीं करना। जैसे आपकी प्रिक होती है वैसे ही फिंगर को टेप रनिंग वाटर में आपको 15 टू 20 मिनट्स तक आपको उसको कंटिन्यू ऐसे ही रखना है। जब उस 20 मिनट्स के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो आपके सुपीरियर होंगे, जो आपके सुपरवाइज़र या इंचार्ज होंगे आप या HOD जो भी होते हैं डिपार्टमेंट, उनको इन्फॉर्म करना है। फिर वो फर्दर क्या करते हैं कि इमरजेंसी में जो CMO होते हैं वो उनको इन्फॉर्म करते हैं, जिनके साथ में ये इंजरी हुई होती है उनको लेके जा वहाँ पे लेके जाते हैं। लेके जाने के बाद में इमरजेंसी के अंदर एक एक्सीडेंटल फॉर्म फिल कराया जाता है जिसमें उसकी सारी डिटेल्स दी जाती है, साथ ही जो पेशेंट होता है जिसका सैप आपने कलेक्शन किया है और उसके बाद आपको इंजरी हुई है उस पेशेंट की सारी डिटेल्स ली जाती हैं, उसको उस पेशेंट के सारे जो टेस्ट होते हैं ब्लड टेस्ट वो सभी कराए जाते हैं, कहीं उसको कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, किसी भी टाइप का हेपेटाइटिस HCV या फिर HIV वगैरह इस टाइप की कोई बीमारी तो नहीं है, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं। देन उसके बाद आपको क्वालिटी डिपार्टमेंट में ले जाके आपकी वैक्सीनेशन कराई जाती है, और उसके बाद फिर क्या होता है आपको 7 डेज के बाद आपके सभी ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं ताकि जिससे रिकन्फर्म हो जाए कि आप जो पेशेंट को जो भी प्रॉब्लम थी, जो बीमारी थी, डिजीज थी, वो आपके अंदर कहीं वो तो ट्रांसफ़र नहीं हुई है। तो दोस्तों इतना ही होता है निडल इंजरी के अंदर। मैंने आपको बता दिया कि निडल इंजरी होती क्या है, निडल इंजरी कैसे हो सकती है, और अगर हो जाती है तो आपको करना क्या होता है। तो बस दोस्तों इतनी सी बात है, यही सारी चीज़ें आप फॉलो कीजिए। अगर आप मेडिकल लाइन के बंदे हैं तो मेडिकल एक किसी हॉस्पिटल या पैथोलॉजी लैब के अंदर काम करते हैं तो आपको सिर्फ इतना ही फॉलो करना है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम स्पिल मैनेजमेंट की बात। स्पिल मैनेजमेंट है क्या, एक्चुअल में स्पिल होता क्या है? स्पिल मीन्स होता है किसी भी चीज़ का फैल जाना। अगर आप एक लेबोरेटरी के अंदर हैं तो वहाँ पे आपके साथ में किसी भी टाइप का एक्सीडेंट हो सकता है, यानी कि किसी भी टाइप का आपके पास में कोई केमिकल हैजार्डस केमिकल हो सकता है या कोई फ्लूड हो सकता है, ब्लड हो सकता है, किसी भी टाइप का आपके पास में स्टैंड टाइप की कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, वो फैल सकती है बाई मिस्टेक। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना होता दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्पिल मैनेजमेंट के अंदर दो टाइप के स्पिल होते हैं। पहला होता है लेस देन 30 ml और दूसरा होता है मोर देन 30 ml। अब लेस देन 30 ml और मोर देन 30 ml ये हमें कैसे पता चलेगा, कैसे नहीं पता चलता? होता क्या है दोस्तों, अगर लेस देन 30 ml हुआ है तो उसके लिए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में पर्टिकुलर जगह पे या हॉस्पिटल के अंदर जो लेबोरेटरी उसके अंदर एक हमारे पास में एक हैजमेट किट होती है, यानी एक स्पिल मैनेजमेंट का बॉक्स होता है। ये बहुत ही नेसेसरी होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है और सभी के पास में ऑलमोस्ट मिलता है, ज़्यादातर मिलेगा अगर आप एक NABL और NABH हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो उसमें तो डेफिनेटली मिलेगा। तो उसमें क्या होता है, मिलेगा क्या, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको पूरा रीअरेंज और पूरा अरेंज करके रखना उसको। तो उस बॉक्स के अंदर अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या उसके अंदर चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि हमारी इनिशियल चीज़ें होती हैं। पहला मैंने आपको बता दिया मोर देन 30 ml, जिसको हम अपने हमारे पास में जो स्पिल मैनेजमेंट की जो किट है, जो हैजमेट किट है, वो हमारे पास में है, उसको हमें ही ट्रीट करना है। दूसरा होता है मोर देन 30 ml। अब मोर देन 30 ml क्या होगा, यानी कि 30 ml से ज़्यादा अगर कुछ भी स्पिल हुआ है तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों अगर आप लेबोरेटरी के अंदर काम कर रहे हैं, बाय चांस आपसे कोई भी फ्लूड, हैजार्डस फ्लूड, कोई भी केमिकल आपसे स्पिल हो जाता है, फैल जाता है फ्लोर पे, आपको अंदाजे से उसको देखना है कि वो मोर देन 30 ml है या लेस देन 30 ml है। अगर मोर देन 30 ml है तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले उस एरिया को, सिर्फ जो सराउंडिंग एरिया है उसका सारा, उसको कवर करना है। वो किससे करना है, आपको चेयर से उसको कवर कर देना है। वो इसलिए करना होता है ताकि जो हमसे गलती हुई है, दूसरे कोई भी अदर पर्सन होगा उसको अगर वो चीज़ फैली हुई नहीं दिखाई दी तो वो उससे क्रॉस कर जाएगा और वो उसके पैर में लगने के साथ में वो सारे में वो फैल जाएगा। इस चीज़ को बचाने के लिए आपको चेयर से कवरअप करना होता है ताकि उस एरिया के अंदर कोई दूसरा पर्सन उसके अंदर ना आए। देन आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको करना होगा कि सभी हॉस्पिटल के अंदर मैंने आपको बताया था
कि स्पिल मैनेजमेंट, यानी कि अगर कुछ भी फैल जाता है, स्पिल हो जाता है, उसके लिए कि स्पेशल कोड दिया होता है। ये सभी कोड अलग हो सकता है, जो कलर कोड है वो अलग हो सकता है, बट होता ज़रूर है। अब जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूँ, मेरे यहाँ पे कोड ऑरेंज है स्पिल मैनेजमेंट के लिए। तो उसमें क्या करना होता है दोस्तों, सभी के पास में पर्टिकुलर तरीके से अलग अलग वेज होते हैं अनाउंस करने के। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कुछ स्पिल होता है तो हमारे यहाँ का जो कोड है वो स्टार 999 है। स्टार 999 पे हमको, जहाँ पे हमारे साथ में ये इंसिडेंट हुआ है वहाँ की पूरी लोकेशन विद कोड, कि ये कोड ऑरेंज और ये लोकेशन है, यहाँ पे ये मतलब ये चीज़ हुई है। अब आप कोड ऑरेंज जैसे ही आप बोलोगे तो जो जिसके पास में वो जो हमारे इंस्ट्रक्शंस गए हैं वो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि कोड ऑरेंज है तो कुछ स्पिल हुआ है, कोई मेजर लेवल पे स्पिल हुआ है। तो तुरंत क्या होता है, कोड अनाउंस होगा स्पीकर में। और आपको ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था, और आपको इस चीज़ को ध्यान देना है स्पेशली, कि आपको तीन बार अनाउंस करना होता है, तीन बार बोलना होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो सकता है कि उन सामने वाले बंदे ने अच्छी तरीके से नहीं सुना हो, तो कहीं लोकेशन गलत ना हो जाए, टीम को आने में देरी ना हो जाए। इसलिए तीन बार, एक बार आपको बोलना है, दूसरी बार कन्फर्म करना है, तीसरी बार कन्फर्म करना है। तो इसलिए तीन बार अनाउंस करना होता है। देन क्या होगा कि फिर उसके बाद जो स्पिल मैनेजमेंट, जो हैजमेट टीम जो होती है, वो अपने इनिशियल पूरी जो किट होती है उनकी, उसके साथ में स्पॉट पे पहुंचती है। देन उसके बाद उनका काम शुरू होता है, जो वो काम करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होता है, फिर वो जैसे काम कंप्लीट होता है, देन फिर हमको कोड क्लोज कराना होता है। अब ये चीज़ थी आपकी मेजर स्पिल के अंदर, जो अगर कोई मेजर मोर देन 30 ml अगर आपको कुछ स्पिल हुआ तो उसमें। अब बात करते हैं हम लेस देन 30 ml, तब हमको क्या करना होगा दोस्तों। अगर देखिए 30 ml से कुछ भी कम स्पिल हुआ है, मान लो कि कोई हमसे ब्लड बिखर गया है या फिर कोई फ्लूड बिखर गया है, आप अंदाजे से उसको एक मेज़र करेंगे, आप स्केल से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में जो आपकी जो किट होती है, स्पिल किट जो होती है, उसके सभी सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, उसको आपको देखना है कि ये लेस देन 30 ml है। तो तब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो आपकी स्पिल मैनेजमेंट की जो किट होती है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले उसके अंदर एक मार्कर होता है, दूसरे नंबर पे उसके अंदर सूकवर्स होते हैं, एक आपके पास में डिस्पोजेबल एप्रेन होता है, उसके अंदर हेड कैप होती है, मास्क होता है और गॉगल्स होते हैं, साथ ही उसमें ग्लव्स होते हैं, और उसके बाद ग्लव्स के बाद उसमें आपके 4% हाइपोक्लोराइड भी होता है, जिसको हमें 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन बनाना होता है इंस्टेंट, बनाने के बाद तब हम उसको अप्लाई करते हैं। तो फिलहाल उसके अंदर, और एक लास्ट में उसके अंदर एक येलो गार्बेज भी ज़रूर होगी। ये सारी चीज़ें आपकी किट के अंदर होनी बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद क्या करना होगा, जब आपको पहले आप मार्क करेंगे उसको, चारों तरफ से मार्क करेंगे, कवर अप उसमें भी करना होता है, चाहे वो मोर देन हो या लेस देन हो, ताकि वही जो चीज़ मैंने आपको बताई है, कहीं वो उसमें कोई दूसरा बंदा उसको क्रॉस ना कर जाए और वो फैल ना जाए, और पता चले वो लेस देन 30 ml है, फिर वो मोर देन 30 ml में पहुंच गया। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान देना होगा आपको, पहले उसको कवर अप करना होगा। उसके बाद क्या करना होगा दोस्तों, उसके, हाँ सॉरी, मैंने आपको नहीं बताया कि उसके, आपकी जो किट होगी उसके अंदर ब्लोटिंग पेपर भी होना बहुत ज़रूरी है, जो फिल्टर पेपर होता है, ब्लोटिंग पेपर वो भी होता है। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उसके ऊपर ब्लोटिंग पेपर डाल देना है। ब्लोटिंग पेपर डाल देंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो ब्लोट करता है, यानी कि सोखता है उसको चारों तरफ से। अब उसको डालने के बाद में फिर आप, जब आप अपना हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है 1% उसको प्रिपेयर कर लेंगे, तब उसको आपको उसको चारों तरफ उसके ऊपर डाल देना है। इससे क्या होगा, इससे जो आपका जो इन्फेक्शन है वो डिसइन्फेक्ट हो जाएगा। हाइपोक्लोराइड आपको पता ही होगा कि सबसे बड़ा डिसइन्फेक्ट एजेंट है, तो वो उसका काम करता है, उसको डिसइन्फेक्ट करेगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उससे पहले दोस्तों, आपको उससे पहले क्या करना है कि अपने आप को पहले प्रिपेयर करना है पूरा, उस जो इन्फेक्शन हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए। उसके लिए आपको ग्लव्स, शूज़, हेड कैप, गॉगल्स, मास्क, एप्रन, जो भी, आपको पूरा प्रिपेयर होके तब आपको उस पे स्पॉट पे उतरना है। अब आपने उसके ऊपर जो ब्लोटिंग पेपर है वो डाल दिया है, तो जब आपने उसके ऊपर हाइपो डाला है ना, तो फिर आपको वेट करना है कितना, 25 to 30 minutes।
यानी कि आधे घंटे के लिए आपको वेट करना है, उसको पूरी तरीके से डिसइंफेक्ट होने में इतना टाइम तो लगता ही है। आधा घंटा वेट करने के बाद में आपको सारे उसको समेटना है, यानी कि उसको इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद आपको जो येलो गार्बेज है उसमें डाल देना है। उसमें डाल देने के बाद में आप उसको रख देंगे। देन फिर आपको क्या करना है, लास्ट में आपको फाइनली जो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है उससे फाइनल मोक से उसको क्लीन करना है। जब वहाँ से वो क्लीन हो जाएगा तो उसके बाद आपका जो एरिया है वो पूरी तरह से डिसइंफेक्ट हो जाएगा। ये सारा काम ख़त्म होने के बाद जो मेन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है, वो क्या है, वो ये है दोस्तों कि आपकी जो किट है, आपने उसमें से जितना भी सामान यूज़ किया है, इसका मतलब ये हुआ कि अब वो खाली हो गई है, आपको उसको फिर से रिफिल करना है, उसको रीअरेंज करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर किसी के साथ में ऐसा होता है तो उसको फिर इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े और वो तुरंत उस किट को उठाए और सारा सामान यूज़ कर ले। इसलिए आपको उसको रिफिल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों इतना ही था मेरी वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना।